इस वक्त की खबर लालगंज से आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज फतेहपुर से लखनऊ वापस आते समय रायबरेली के लालगंज रुके हैं। सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने यहां पर अखिलेश यादव का किया भैंस स्वागत। नहीं, अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं के स्वागत के बाद गाड़ी से उतर कर एक होटल में चाय पीने के लिए बैठ गए। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने यहाँ पर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। हमले में यही नहीं, अखिलेश यादव ने श्रम में आपको बताते चलिए कि श्री राम के नारे लगाने के साथ ही भड़काने वाले मामले में सफाई भी दी है। साथ में मौजूद सरकार आम जनता और युवाओं को रोजगार और किसानों के हितों की बात ना करके धर्म की राजनीति की है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये बहुत ही आम जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। किसान से जुड़ा तो है ही है, व्यापारियों से भी जुड़ा है, आम जनता से जुड़ा है। और दिल्ली के बाद ये बहस छिड़ी है कि बिजली की कीमत क्या ली जाए। हम इस समय यही भरोसा दिला सकते हैं कि इस सरकार ने कोई भी बिजली बनाने का कारखाना या बिजली बनाने का कोई इंतज़ाम नहीं किया है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी फैसला लेगी कि किसानों को और सुविधाएं कैसे दी जाएं। जब समाजवादी सरकार थी तो उनको सिंचाई मुफ्त कर दी थी, इसलिए बिजली की मदद कैसी जाए की जाए किसान से, आने वाले समय में हम फैसला लेंगे। लेकिन अभी इंतज़ार करेंगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, इसने महंगी बिजली कर दी। बताओ, डबल इंजन की सरकार, महंगी बिजली, हटाइए इस सरकार को और सुविधा पाए किसान, जाइए। धन्यवाद। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।